What's up guys, welcome back to the channel, ईशान टेकवर्ल्ड। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा मोबाइल इन सब चीजों से रिलेटेड नहीं बताऊंगा। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा एक जबरदस्त होम अप्लायंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपके सामने रिव्यू करने वाला हूँ छोटा सा इस प्रोडक्ट के बारे में। जी हाँ, ये एक हीटिंग कप है और ये मैंने एक्चुअली में अमेजोन से ऑर्डर किया है और मुझे जो है दोस्तों काफी अच्छे प्राइस में ये मिल गया था और काफी यूजेबल चीज है, इजी टू यूज है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि यार आपको जो ना मुझे इस बारे में बताना चाहिए। वैसे मे भी आप सोच सकते हो कि यार ये टेक्निकल चैनल के ऊपर क्या बात कर रहा है, ये क्या प्रोडक्ट रिव्यू कर रहा है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो दोस्तों बस ये सोचा कि अच्छी चीज आपको बतानी चाहिए। और वैसे भी गाइज अगर आज के टाइम में हम देखेंगे तो लोग साबुन तक बेच रहे हैं अपने टेक्निकल चैनल के ऊपर, तो ये तो फिर भी एक टेक्निकल प्रोडक्ट ही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक से चलने वाला एक हीटिंग कप है। मजाक था भाई, मजाक मतलब वो साबुन वाला मजाक था, सीरियसली मत लेना उसको। मतलब मजाक आपके लिए नहीं था, जो एक्चुअली में साबुन बेच रहा था मजाक उसके लिए था। तो गाइस आज मैं आपसे बात करूंगा इसी प्रोडक्ट के बारे में। अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया है, 241 रुपीज में मुझे दोस्तों ये प्रोडक्ट पड़ा है। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है रिव्यू देखने के बाद में, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आप डायरेक्टली अमेजोन से परचेज कर सकते हो। मेरे हिसाब से दोस्तों मैंने भी अभी तक सही से टेस्ट नहीं किया है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों के सामने इसको टेस्ट करने वाला हूं और यहां पर ऑब्वियसली मैं आपको एक चीज ये भी बता देता हूं कि ये वीडियो आप कब देख रहे हो पता नहीं। अगर आप थोड़ा आगे जाके देख रहे हो तो हो सकता है इसके प्राइस में थोड़ा चेंजेस आए, क्योंकि ऑब्वियसली ऑनलाइन प्रोडक्ट मैंने लिया है तो प्राइस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। कम हुआ तो ऑब्वियसली आपका नसीब, और अगर बढ़ गया तो भी ऑब्वियसली आपका नसीब। तो चलिए मैं दोस्तों फटाफट से जो है सबसे पहले मैं इसकी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग आपको दिखा दूंगा, फिर उसके बाद में मैं वन बाय वन सारी चीजें इसमें पका के देखूंगा, मतलब पानी उबलता है कि नहीं और चाय कॉफी बना सकते हैं कि नहीं, वो सारी चीजें देखेंगे। कितनी देर में सब हो जाता है वो भी चीज हम देखेंगे फटाफट से। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखिए कुछ इस तरीके का बॉक्स मिलता है आपको प्रोडक्ट्स का, तो यहाँ पर सामने से आप देख सकते हो उसमें जो लिखा हुआ है 300 वॉट की जो है ना फास्ट चार्जिंग बोल रहा हूँ सॉरी मैं, इसमें 300 वॉट की जो है ना वो बैटरी दी जाती है, एनर्जी लेता है ये। 3 मंथ्स की वारंटी के साथ में ये आता है, ज्यादा बेटर बात हो जाती थी अगर 6 मंथ की वारंटी के साथ में आता था तो, लेकिन फिर भी जिस प्राइस का प्रोडक्ट है तो उसके हिसाब से 3 मंथ की वारंटी इज गुड इनफ। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो ये सेम कंपनी से लोग ने कुछ लिस्ट ऑफ अप्लायंसेस दिए जो ये सेम कंपनीज के हैं, तो ये भी अप्लायंसेस जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं वो लोग। यहाँ पर बैक साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आप इसमें कुक कर सकते हो, स्टीम कर सकते हो पानी को, टी कॉफ़ी बना सकते हो, एग उबाल सकते हो, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हो और वो हम सामने से प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। उसके बाद ही जो है ना दोस्तों ऑब्वियसली कुछ नतीजे पे पहुंचेंगे। यहाँ पर उस पर इसकी प्राइसिंग और दूसरी डिटेल्स है, इसके इस प्राइस पे जाना मत, इट्स नॉट कॉस्टिंग 695 एट ऑल। तो चलिए फटाफट से जो है ना दोस्तों मैं बॉक्स को ओपन करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर अगर मैं बॉक्स को ओपन करूँगा तो इस तरीके से सबसे पहले तो इसके ढक्कन की निकाल देता हूँ। यहाँ पर इसका जो लिड मिलता है आपको इस तरीके से, और एक्चुअली मैं क्वालिटी ना फिर भी अच्छी है प्राइस के हिसाब से देखते हुए, अच्छी स्टील का लिड है ये और सही है, साइड में रखता हूँ इसको। उसके बाद में मैं यहाँ से बॉक्स को निकालता हूँ, इसको निकालता हूँ, बॉक्स के अंदर अब कुछ नहीं बचा, इसको साइड में रख देता हूँ। उसके बाद में इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर देखिए हमें पावर कॉर्ड मिलता है इसको लगाने के लिए, ये पावर कॉर्ड है। यहाँ पर हमें जो है ना एक छोटा सा मतलब मैनुअल मिलता है, क्विक मैनुअल जिसको आप बोल सकते हो, तो इसको रीड करना बहुत ज़रूरी है, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस मौजूद है किस तरीके से आपको यूज़ करना है। अच्छी क्वालिटी में मिलता है, यहाँ पर जो है ना पावर कॉर्ड लगेगा, उसके बाद में ये लाइट जल जाती है। फिर यहाँ पर आपको एक ऑब्वियसली हैंडल मिलता है प्लास्टिक का, जिससे आप पकड़ के आपको ईजिली कैरी कर सकते हो। और ये जो क्वालिटी है गाइस मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसकी स्टील की पूरी क्वालिटी है और इस तरीके से इसमें लग जाता है, यहाँ पर इस तरीके से बन जाता है। अब ये तो हो गया अनबॉक्सिंग, चलिए दोस्तों फटाफट से हम इसमें जो है ना अलग अलग चीज़ें पका के देखते हैं फिर कैसी रहती है। ये देखिए ये मैंने जस्ट अब भी लगाया, यहाँ पर फिक्स किया है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, बस ये आप यहाँ पर प्लग लगा दो तो ये चीज़ जो है ना लाइट हो जाएगी, देखो आप चमक रही है आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद अपने दूसरा जो है ना इसका प्लग सॉकेट में आप लगा दो। अब उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं पानी डालता हूँ आपके सामने, इसमें थोड़ा सा पानी डालता हूँ, आपने आवाज़ सुने होंगे मतलब ये गर्म होना स्टार्ट हो गया, तो मैं भी इतना सा पानी डालता हूँ। अब देखो इसमें ना हल्का हल्का साउंड आ रहा है, मतलब एकदम से गर्म होना जाना स्टार्ट हो गया ये, तो अब देखते हैं कि ये पानी को जो है ना कितनी देर में बॉईल करता है, बॉईल मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से बॉईल जो बोलते हैं ना, देखते भी वो कितनी देर में करता है ये ऐसा। तो ये देखिए गाइस अराउंड 2 मिनट के टाइम में शायद इसने जो है ना पानी को अच्छे से बॉईल करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर जो है ना आपको ऐसा बॉइलिंग का देख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप धुआं देख सकते हो और जो आवाज़ आ रही होगी आपको इसकी, तो वो आवाज़ भी आप सुन सकते हो, तो काफ़ी अच्छी जो है ना पानी को इसने बॉईल करना शुरू कर दिया है। अब ये देखिएगा इसके ये अभी जो है ना अभी आहिस्ता आहिस्ता पानी बॉईल होने स्टार्ट हुआ है,
और यहाँ पर धुआं इवेपोरेट होना भी ज़्यादा हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो है ना, जैसे कि मान लो चाय वाय में बनानी है तो मैं इसमें थोड़ी चाय की पत्ती डालता हूँ इस तरीके से, ये उसके बाद में मैं इसको हल्का सा ढक देता हूँ। अब इसके ढकने से क्या होगा, इसमें से धुआं निकल रहा है ना, वो धुआं भी एक्चुअली थोड़ी हेल्प करेगा उसको और ज़्यादा हीट करने में। अब देखते हैं और थोड़ी देर के बाद में क्या होता है। तो इसमें गाइस चाय की पत्ती ऐड करके जो है ना वो अराउंड 2 मिनट हुए रहेंगे और यहाँ पर धुआं अच्छा खासा निकल रहा है, देखते हैं अभी कैसा हुआ है। ओ तो ये देखिए पूरी तरीके से मतलब यहाँ पर चाय बनके तैयार हो गई है, इसमें खाली दूध ऐड करना है और बस उसके बाद में ये हो जाएगा। चाय पूरी तरीके से बनके तैयार हो गई, चाहिए तो थोड़ा और पकने दे सकते लेकिन सही चीज़ है। और ये पूरा प्रोसेस जो है ना वो अराउंड 5-6 मिनट में हो गया है पूरा प्रोसेस। स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो टाइम लगा इसको पानी को बॉइल करने में वो अराउंड 5 मिनट का टाइम लगा रहेगा या शायद उससे भी कम लगा रहेगा। और वो प्रॉपरली बॉइल हो गया था, फिर उसके बाद में हमने जो है ना उसमें चाय की पत्ती ऐड की तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से पक गई थी। तो यहाँ पर गाइस मैं तो यही बोलूंगा कि जिस प्राइस में दोस्तों हमें ये मिलता है वो उस प्राइस के हिसाब से बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। और इसमें और भी चीजें कर सकते थे लेकिन सिर्फ टाइम की प्रॉब्लम की वजह से जो है ना मैं उसी चीज नहीं कर पाया। आप इसमें दूध को भी बॉइल कर सकते हो, आप इसमें मैगी भी बना सकते हो इजिली। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ एक चीज एक दो चीज है उसका ख्याल आपको ये रखना पड़ेगा कि जो प्लग है ना वो आपको प्रॉपरली लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि वो प्लग फिट हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर वो प्लग सही से फिट नहीं होगा तो यहाँ पर ना कुछ एकदम धुआं जैसा निकलने लगता है। तो वो बहुत जरूरी ऑब्वियसली, वो तो अगर आप महंगा वाला हीटिंग कप भी लोगे तो उसमें भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरी चीज क्या है दोस्तों, एनर्जी बचाने के लिए ज्यादा, क्योंकि ये ऑलरेडी एनर्जी सेवर है लेकिन फिर भी और अच्छी एनर्जी बचाने के लिए जब भी आप कोई भी चीज इसमें हीट करोगे तो इसमें जो ऊपर से जो आपको लिड को ना लगा के रखना है, क्योंकि इससे क्या होता है जो हीट निकलती है उससे क्या होता है कि वहां पर अंदर का जो भी सामान आप बना रहे हो वो और अच्छे तरीके से बनता है और जल्दी बनता है। तो ये 2-3 चीजें दोस्तों इसका ध्यान रखना। और मेरे हिसाब से गाइस बहुत मस्त है, कंफर्टेबल है, किधर भी लेके जा सकते हो और जिस प्राइस में मिलता है उस प्राइस के हिसाब से तो एकदम जबरदस्त है। तो यहाँ पर गाइस इसके अलावा अगर आपके पास में कोई भी ऐसे क्वेश्चंस है तो कमेंट्स कॉल में पूछना, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। और साथ ही में अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया है तो एज आई सेड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप चेक कर लेना कि इसका करंट प्राइस क्या है। जब मैंने परचेस किया था तो 241 रुपीज का अराउंड था और मेरे हिसाब से वर्थ है वो 241 रुपीज। तो गाइस चलिए फिर मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए ताकि इन फ्यूचर आप किसी भी तरीके के अपडेट्स मिस नहीं करोगे। और इसी तरीके के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के जो है ना वो रिव्यूज में आपके लिए लाता रहूंगा। जय हिंद।